मंदिर में दोनों
कहती थी मन मेरा मोतिया, रानी कहती थी मन मेरा मोती, राजा कहे मैं मन का चोर, राजा कहे मैं मन का चोर, रानी राजा कहता था मैं हूँ चकोर, राजा कहता था मैं हूँ चकोर, राजा कहता था मैं हूँ चकोर, प्रेम चांदनी चारों प्रेम चांदनी, प्रेम चांदनी चारों मोहन हंस के करते किशोर, मोहन हंस के करते किशोर, मोहन हंस के करते किशोर, जैसे कूके मोरनी मो, जैसे कूके मोरनी मो, मोहन हंस के करते किशोर, मोहन हंस के, मोहन हंस के, मोहन हंस के, क्या हुआ मामी? बच्चे बच्चे खेलते थे। अरे तू हूँ बच्चे है, शादी नहीं भई, नहीं तो दो ही बच्चे हो जात। मामी ऐसी बात कहते तुम्हें लाज नहीं आती? हाँ तू ही का तोर माँ बाप हिंदी अंग्रेजी नाचाऊ गाऊ यही खाती शिकायत है कि मोर लाज निकाले वही मरी गए और हमारी छाती पर यूं पत्थर धरी गई। मामी हमेशा तुम ऐसी बुरी भली बातें सुनाती हो, तो फिर कुएं में ढकेल दो ना। अरे जा गिर, नदी है नारा है कुआं है को तो ही का रोकत है। अरे 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 क्या भवा क्या भवा? हाँ काहे झगड़ा करो तू हो? मोर लाज निकाली लाज यू बला का कोनी चूच घर दिखी के ठिकाने लगाओ। हाँ 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 सब बंदोबस्त है गवाह है। मुला निर्मला भाग केर बड़ी धनी है, उही का पति बड़ा अमीर मनई है, होशियार है, निर्मला को देखे आवैया है। अच्छा बा निर्मला चल कपड़ा और गहना पहन चली के। हाँ आओ पधारो। आओ पधारो। इधर इधर बैठिए बैठिए। इस साल गर्मी जल्द शुरू हो गए हैं।
माँ, पिताजी, मुझे आशीष दो। सुंदर, अच्छे मुला तोर सिंदूर आपका है। चलो निर्मला आओ बैठो। देखिए अपने लड़की सुंदर है, शरीफ है। बंबई में पढ़ती थी, इसके माता पिता बड़े शरीफ आदमी थे। साल डेढ़ साल हुआ, एकाएक दोनों का स्वर्गवास हो गया। उसी समय से मामा संभालते हैं और आप तो जानते ही हैं इतने सीधे साधे हैं। लड़की से कुछ पूछना है मोहन भैया, आप ही पूछिए। आप पूछे तो अच्छा। क्या पूछना है? पसंद है? जाने दो। जा बेटी। भाग्यशाली है। शंकर चला। मामा चाय? दूध? दूध नहीं। नहीं नहीं मामा, अच्छा चाय पीएंगे। चला। देख ले काही शर्माती है, मी की तना देख ले, नहीं तो पाछे रुपया वाले हम। शहर मैया बड़ी इज्जत है। यू बुढ़वा को है जान परत है, लड़का क्यार बापू है। हाँ बापू ही समझ ले। बोला निर्मला को पसंद है ना? यू तो पाछा आप ही मालूम हो जाए। हाँ, अच्छा अब मुहूर्त जल्द से जल्द। हाँ दो चार दिन में। क्यों मामा? हाँ हाँ शुभ से शीघ्र। हाँ मामी वो विवाह बहनी कौन? वो नर्मदा चाची, हमार समधन, हमार जवाई के चाची। दादी बहू कितनी सुंदर है, मैं जरा पास जाकर देखूं। जा। विवाह प्रधानाद्योमयोगृहणे विनियोग।
जीत लिया, हो गई शादी। माँ, हो गई मेरी शादी। निर्मला बहनी, यहाँ मार टोपी रहे ना? हाँ, तुम यहाँ का ही बैठो। फोटो खिंचा के चलो ना। हाँ, तुम रोत गए हो? तुम्हार दूल्हा तो बड़ा अमीर बने है। मामा को इतने इतने रुपया दीस। अरे जाकत खाओ, झूठ नहीं, हम अपनी आँखें देखें और सब जने मिलके तुझे खूब फसाइन। जवान मर्द दिखावा गवा और शादी बुढ़वा के साथ वा। कैस पड़ी थी भाई? नथू नथू आओ तो आओ। और फोटो निक निकरे का चाहिए। तेरी हिलना नहीं, हिलना नहीं। जरा बिगड़ गया। हाँ, फोटो नहीं खींचा। मामा हमारी यू तो सब घोटाला है घोटाला। अच्छा भवा, फोटो नहीं खींचा। निर्मला कहाँ गए? जाओ उहे का तो निकले आओ। अब हम निकी तना खड़िया। शंकर तू ही जा, 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 तू ही जा। अच्छा हम ही उही का लावे जाई थे। निर्मला, निर्मला फोटो खिंचावे चलो ना। हाँ तू चुप पे कहे, तोर दुल्हा तोर वाट पात है। चलो इतना चिल्लाई थे सुनत का है नहीं। चलो मुझे परेशान न करो, मैं नहीं आऊंगी। कहा मेरे सामने से अपना मुख काला करो। हाँ दुष्ट नहीं के, कब से देख रहे हैं हम तोर सुरु पर कौन पाथर धर दिन है। बाजीन कहूं की जितना हम चुप पे रही थे उतो बढ़ जात है। अब तनिक हूं तो बोल, मारे लपड़ों के मुंह लाल कह दे हो। आओ दिखाओ बहादुरी। तो ले निर्दयी कसाई, मार मार, बूढ़े के गले बांधकर मुझे कुएं में झोंका। ले अब गला दबा के जान ले, अच्छा होगा मुसीबत से छूट जाऊंगी। उतार सूरत, होश में है क्या? दरवाजे में कौन है देखती नहीं? उनकी तो शर्म कर। हटो, मुझे शर्म करने के लिए कहती हो? तुम्हारी लड़की अगर एक बूढ़े के गले बांध दी जाए तो तुम चुप बैठोगी? किस मुंह से कहती हो शर्म कर, किसकी शर्म करूं? इस लालची ने पैसे के लालच में मुझे पा, इसने शर्म की थी या इनकी शर्म करूं? अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए जिनके मैं बेटी नजर आती हूं, मुझसे शादी करते हुए इन्होंने शर्म की थी। बड़े बूढ़े ने अपनी शर्म छोड़ दी और मुझे शर्म करने के लिए कहते हो? मुझोर कितनी बढ़ती जाती है। याद रख, अब तू आजाद नहीं, किसी की औरत है। हाँ औरत हूँ, औरत हूँ और औरत हूँ, इसीलिए आप मेरा सफाई से गला काट सके। मैं तुम्हारे काबू में हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, यह मैं जानती हूँ। मगर याद रखना, ये भड़कती हुई आग है, ये तुम्हें जलाए बगैर कभी नहीं रहेगी।
क्या क्या करेगी तू? क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी, क्या करूंगी? धूम करती है कि सब पराए घर में चालो होके था। यू बड़ी मिजाजी है, यही काम मरे दो, एक बगैर हम फोटो खींचा ले। चलो शंकर केर कपड़ा किशन के राय क्यों रे केशव, ये सारा काफिला किधर चला? अपने साथ नहीं, कैसे कहूं, ये देहाती बला। निर्मला बुरा न मानियो, हम हूँ तुम्हारे साथ, कोई न चले। कितनी निर्दयी है रे, तोड़ जू से हमार मोहब्बत हुई का गई, शादी के हो में जलकर खाक हो गई। दुल्हा के घरु माँ भल मनसी से रहे के नहीं, उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, आपको घर नहीं। फिर जाओ, अकेली ही मरो। ये तो हुआ ये है, आज से आप मेरे लिए और मैं आपके लिए मर गई। अच्छा अच्छा, आप एक के साथ कौन है चाहिए? चलो अंदर, चलो जाओ, चलो अंदर जाओ, चलो चलो अंदर जाओ, अरे चलो अंदर, चलो जाओ जाओ जाओ, तू कहाँ जा? मामा साहब, फोटो तैयार है, ये बात का फोटो देखे थन। पहले तो निको अच्छी नहीं, वकील साहब शादी की फोटो हमने ली, अब पहले लड़के की फोटो हमारे ही हाथ से लेना चाहिए।
उस शुभ घड़ी में हम जरूर गंगापुर आएंगे। कुछ बहुत राह नहीं देखनी पड़ेगी। अगले बरस लड़का। कहिए काका साहब, कहीं गए हुए थे? बहुरानी मुंह हाथ धो ले। शांति जा, इसको जगह बता। क्यों रे, घड़े में चाबी क्यों नहीं दी? कल ही दी थी सरकार। लेकिन बंद क्यों हो गई थी? बंद हो गई थी। ये आप पेंशन चाहती है सरकार? अब ये हो गई है मेरे जैसी बूढ़ी, इसे कितनी ही चाबी दो, कितना ही हिलाओ झुलाओ, लेकिन ये ऐसे ही जब कभी बंद हो जाएगी। अच्छा अच्छा, बड़ा चालाक है तू, जा। बूढ़ी, बूढ़ा, मुझे मालूम हुआ है कि आप इस उम्र में शादी की फिक्र में हैं। ये बात आपको शोभा नहीं देती। आप कह सकते हैं छोटा मुंह बड़ी बात है, उसकी मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन मैं फिर प्रार्थना करूँगी कि आप अपनी उम्र का ख्याल करते हुए ईश्वर के लिए किसी गरीब लड़की की बदुआ न लें। जनाब नया सेहरा बांधने की फिक्र में है, ये मैंने सुना है। मुबारक हो, बुढ़ापे की ये रंगरलियां मजे की हैं। मगर मैं भी शादी के काबिल हो गया हूँ, इस बात को आप न भूली। इस पर भी आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो मे गॉड ब्लेस यू डियर फादर। खैर कुछ भी हो, मुझे 200 रुपए खर्च के लिए तार से रवाना कीजिए, नहीं तो मनी ऑर्डर न आने पर मुझे खुद आना पड़ेगा। Thank you.
कौशल साहब के मुकदमे की तारीख आज ही है ना? जी हाँ, आज शुरू में ही उसकी पेशी होगी। बहुरानी, सुना क्या बहुरानी? मुझे बहुरानी बहुरानी नहीं कहना, मेरा नाम सीधा सादा निर्मला है, निर्मला पुकारना। ये चाय अपने पतिराज के लिए लेके जाओगी क्या? नहीं। अच्छा अच्छा, अब तू मेरे काबू में है, कहाँ जाएगी देखूंगी। जी हाँ, आप ही के काबू में हूँ, बूढ़े पति की औरत हूँ, इसलिए कहीं चली नहीं जाऊंगी। शांति जी, चाय पीने के लिए आ। क्या है? ले। और चाची के लिए? तुझे क्या करना है, तू अपनी पी, उसे चाहिए तो आएगी, बनाएगी, पिएगी। मेरी जूती को गर्ज पड़ी है कि उसे चाय दूं। मैं ही लेके जाती हूँ केशव के लिए चाय, क्या मेरे हाथ पांव टूटे हैं? तुमने पी? हाँ। सच? झूठ कहती हूँ। मुझसे झूठ? ये तुम्हारी चाह है ना, फिर झूठ क्यों बोलूं? आप पिए इसलिए दादी ने आपकी चाय नाली में फेंक दी। आप पीएंगी ना? कितनी प्यारी लड़की हो बहन, तुम ही पियो। मगर आपके पिए बगैर मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहन पुकारो, आप नाराज तो नहीं होंगी? नहीं। बहन बहन बहन, कितना मीठा मालूम होता है। बहन तुम्हें घर देखना है, चलो मैं दिखाऊं, आती हूँ। चलो। तेरी ये मुजोर औरत के सामने हाथ जोड़ने पड़े केशव, कितना मुंह लड़ाती है, सारे उल्टे जवाब। उसकी अच्छी खबर लेनी चाहिए। सच है, घड़ी ने भी आवाज दी, देख ली मेरे कहने की सच्चाई, अब तुझे चुप नहीं बैठना चाहिए। मैं सब तमाशा देखता हूं, उसे जल्द मालूम होगा। ये सामान रखने का कमरा अब हुआ, पहले यहां जुगल दादा पढ़ने बैठते थे।
जुगल दादा कौन? जुगल दादा चाचा जी के लड़के। उनके? सुशीला बहन, दुनिया में उनका बड़ा नाम है। अच्छा चलो। देखती क्या है, तेरे पति की थाली है। मैं झूठी थाली पर नहीं बैठूंगी, मुझे दूसरी थाली चाहिए। दूसरी थाली घर में नहीं। अब तो हद हो गई। अब है क्या दूसरी थाली? क्या तेरे हाथ जोड़ू? शौक से आइए, मैं दिल से आशीर्वाद दूंगी। याद रख, इस शरारत की अच्छी सजा मिलेगी। क्या करती है, मुझसे ये सहन न होगा। नहीं तो मैं केशव से साफ साफ कहूंगी, निकल जाऊंगी घर से और चली जाऊंगी प्रयाग। दादी बद्री नारायण उससे भी दूर हैं, वहां जाओ ना। मैं तेरे कहने से जाऊंगी? कभी नहीं जाऊंगी। आहा दादी, दाल क्या मजे की बनी है। आप कहीं ना जाएं, आप चली जाएंगी तो इतना अच्छा खाना कौन पकाएगा? तो मैं तेरी खाना पकाने वाली हूं। ये बात सही मगर। चुप रहे, सास से इस तरह पेश आती है? मुझे यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। यह घर है या बाजार? हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़ा। अब एक लफ्ज भी मेरे कान पर नहीं आना चाहिए, नहीं तो। शांति, अपनी चाची साहिबा से कह, आजू बाजू की औरतें देखने आने वाली हैं। शांति, अपनी दादी साहिबा से कह, निर्मला की शादी हो गई, अब क्या देखने आती हैं? शांति, उनसे कह, नसीब से मिले हैं तो जेबर कपड़े पहनकर अच्छी तरह बैठना। बहन, उनसे पूछना कि नई नवेली दुल्हन जैसी या सिनेमा नटी जैसी बनके बैठूं। बस बस चुप रहे। चुप रहूं ना तो मुझे कोई देखने ना आए। मुई चाची। आओ बहन आओ। और कौन कौन है? भांडा चौका हो गया क्या? आओ। आंखें अच्छी है, सुरमा लगाती है, गोरी है, पाउडर लगाए है। ये देखो, नई वकीलन बहन यही क्या? आओ बहन। मुझे वकीलन न कहिए। अच्छा बहन, हमारे पास तो आओ। नहीं, देखो मैं बड़ी बुरी लड़की हूं, मेरे रास्ते न जाना, नहीं तो अपमान होगा। इसने सीधी बात करने की सौगंध खाई है, किसी दिन ये मेरे केशों का मुंह काला करेगी। मुझे क्या गरज, उन्होंने ही बुढ़ापे में सेहरा बांध के चिराग रोशन किए हैं, मेरे नाम से क्यों चिल्लाती हो?
चाची, ये कुछ निराला ही नमूना है। बहन, वो जो सामान रखने का कमरा है ना, अपने बैठने के लिए वही अच्छा है, आने जाने वालों की तकलीफ नहीं। चलो उसे साफ करें। फोटो? तुम्हारे माता जी का? हाँ। वाह, कितना सुंदर है। बहन, अपने यहाँ फूल है? नहीं, इतनी बड़ी जगह है मगर बाग ही नहीं। बहन, तुम्हें गाना आता है तो सुनाओ। अच्छा। मुझे ग्रामफोन का गाना नहीं, तुम्हारा चाहिए। मैं ही गाती हूँ। है ये भी एक
जिंदगी की दौलत है ये भी एक जिंदगी की दौलत सुनो आज सुना रहा है सुनो आज सुना नमस्कार वकील साहब। ओहो नमस्कार, कैसे ठीक है? ठीक है। मैंने सुना है आपने शादी की। जनाब चले? हाँ हाँ, जाना ही चाहिए। नई शादी, नई पत्नी, नई खुशी, नई उम्र। हाँ वकील साहब, किसी की आंख फोड़ोगे? कब आए शादी करके? दादी दादी, आज हमने क्या क्या मजे लिए। बहुत सी लड़कियां थी, गाने गाए, झूला झूले, फुगड़ी खेलते खेलते बहन गिर गई। ऐसा? अच्छा निर्मला, चलो खाना खा लो। हम वहां से खाके आए हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आराम करो। अरे हाँ, मेरा एक काम तो कर। ऊपर अंदर के कमरे में अलमारी पर मेरी पंचरत्नी गीता है, कितने दिन से ढूंढ रही थी, आज वहां का ध्यान आया। लाती है बेटी? हाँ। दरवाजे की जंजीर भी और आपके दिल का तीर भी। छुड़ाए तेरा मुंह जले। हमसे ना बोलो राजा, हमसे ना बोलो राजा रे, हमसे ना बोलो राजा रे, हमसे ना बोलो राजा। दरवाजा दरवाजा खोलिए। नहीं, ये पागलों की तरह क्या करती है? दरवाजा खोलो। हरगिज नहीं। क्या? इसका अंजाम बुरा होगा। आगाज कब अच्छा था, अंजाम बुरा होगा। मैं फिर कहता हूं, सीधे तरह से दरवाजा खोल। मैं भी फिर कहती हूं, दरवाजा नहीं खोलूंगी। नहीं खोलेगी? नहीं। अच्छा, इसी कमरे में बंद रहे और कुतिया की मौत मार। बहुत अच्छा, मगर मरने से पहले ये घर भी जलकर खाक होगा। क्या? कुछ नहीं, यहां चिराग है, चिराग में तेल है, घर जलने में देर नहीं लगेगी। एक घड़ी में चिराग भड़केगा और पता, माफ कर, तेरे चरणों में हमारी शरण पत्रिका। तो फिर जंजीर न लगाओ,
नीचे जाके अपनी चाची की पूजा करो और अब फिर मुझे कभी परेशान न करना। कबूल कबूल लक्ष्मी, तेरी सारी बातें कबूल। किस्मत फूटे जो जलती हुई आग दामन बांधी। केशव, मुंह धोया, ले पिए मसाले का दूध। आ बेटा, क्या मजे का दूध है, ले पी। केशव से पहले पीने के लिए शर्माती है, दीवानी। ले पी। और है? हाँ हाँ, लाती हूँ।
बहन, सिंदूर लगाते वक्त तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? कुछ नहीं बहन। बहन, सिंदूर किस लिए लगाया जाता है? वो देखो, तस्वीरों में सीता माता ने भी लगाया है, रुक्मिणी देवी ने भी लगाया है, ये किस लिए? बहन, देवी सीता ने प्रभु रामचंद्र जी के लिए सिंदूर लगाया है, रुक्मिणी माता ने कृष्ण भगवान के लिए लगाया है। उन्हें भी सिंदूर लगाते वक्त तुम्हारे जैसा बुरा मालूम होता था? उन्हें आनंद होता था। आनंद? फिर तुम्हें क्यों नहीं होता? उन्हें क्यों होता था? क्यों होता था? देवी सीता जिनके लिए सिंदूर लगाने में आनंद मनाती थी, वो राम थे। रुक्मिणी माता जिनके लिए सिंदूर लगाने का अभिमान करती थी, वो कृष्ण थे। और बहन, ये तस्वीर देखो, किसकी है जानती हो? हाँ, सुशीला की है ना? बहन, इसे काट कर अपने कमरे में लगाएंगे, जरा बोल ले आप। शांति, नीचे आ जाओ बहन। क्या खाने के लिए बैठ? तुझे क्या करना है? तू खा। मैं अकेले नहीं खाऊंगी। दूसरे के उठा पटक से तू सीधे तरह से खाने के लिए बैठ। बहन के बगैर मैं नहीं खाऊंगी, जा। कभी सुनो, सुनती नहीं। क्या हुआ? दादी बड़ी बुरी है। बहन, बड़ों को बुरा नहीं कहते। फिर वो अच्छी है तो तुम्हें खाने के लिए क्यों नहीं बुलाती? मुझे आज भूख नहीं है, जाओ तुम खाओ। तुम्हारे बगैर मैं नहीं खाऊंगी। चलो ना बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चलो। बहन, दादी कहती है कि तुम्हें खाने को नहीं दूंगी। नहीं दूंगी तो मैं जरूर खाऊंगी, देखती हूँ कैसे। नहीं चाची, सीधी तरह ताला खोलो। मुझे मालूम है तुम सोई नहीं हो, सुनती हो या नहीं? मुझे खाना खाना है, उठो ताला खोलो। नहीं खोलती हो तो ताला तोड़ती हूं। हो गई क्या नींद? कल मुही ताला तोड़ती है इस घर में। तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी खाने को नहीं मिलेगा। क्यों? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी? हाँ।
आप हैं कौन? मैं केशव की, तेरे पति की चाची हूँ चाची। तो मैं उनकी पत्नी हूँ पत्नी, और बुढ़ापे की। सुनती नहीं? खरा खराब, निकल यहां से, घर के बाहर हो। ये घर मेरा है। अरे मुझे बताओ बताओ, ये दानियाँ मुझे मार पड़े ना हो, दाउना दाउना, ये दानियाँ मुझे मारती हैं, मेरे जान देती हैं, मुझे तकलीफ में मारती हैं, दादा भी सुनाए। मुझसे नाराज हो गई? बहन, बाहर कोई आवाज दे रहा है, मैं देख आती हूँ। कौन? निर्मला। निर्मला बेटी, अब तो कितनी बड़ी दिखत है रे। अरे खड़े खड़े क्या मुंह देखत है? तुहार मामा थका मांदा आयो है, पांव धोए का पानी लिया और चाय बनवाई लाओ। मगर आप हैं कौन? मामा, आप किससे मिलने आए हैं? निर्मला, मैं तो मामा। वारी सयानी। मामा। मेरे मामा तो पहले ही गुजर गए। आप घर तो नहीं भूल गए? पगली, मामा के साथ दिल लगी करत है? देखिए, घर में कोई आदमी नहीं है, आप जिस राह से आए हैं उसी राह से जाएं। ना जाई हूं, मैं तुही से नहीं उकील साहब से मिले आयो हूं, मैं यहीं बैठी हूं, यहीं रही हूं। ले बैठ गए। अच्छा, सीधी तरह से आप नहीं जाते। शीतल, ये देख क्या तमाशा है, कोई उठाई गिरा घर में आया है और कहता है मैं तेरा मामा हूं। इसे बाहर निकाल। अभी भांजी कहता है, थोड़ी देर में पत्नी कहेगा। नमस्ते गुरु महाराज। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। बिस्तर में जो हाथ लगे हो तो खंड खंड कर डालो। कितनी पाचन लड़की हो? क्यों चिल्लाता है रे उच्चक के? अब सीधा जाता है या ना जा? हम ही के मामान, उकील साहब हमार दामादान, मैं उनका ससुराल और पावना भी आओ, ना जाई हो। शीतल, ठहर जा, पुलिस को ले आ। सीधी तरह ये बला नहीं जाने वाली।
पुलिस फौजदार नहीं कलकत्तर केर बाप भी आवे तो हूं ना जाओ घरों उनके दामाद केर नहीं हमार दामाद केर आए दिखाता हूं तुझे कलकत्तर केर बाप चुड़ैल तोर का मनसा है तू हमसे आज काहे बदला लेत है बदला आपकी भांजी आपसे बदला ले क्या ऐसा कुछ किया है आपने उसके साथ हाँ हाँ एक बड़े रुपया वाले उकिल के साथ उकी शादी की ने तो उन्हीं से उका सर फिर गवा है क्या झगड़ा है जनाब इस भले आदमी का सर फिर गया है हाँ हाँ मोर सर फिर गया है फिर चलिए पागल खाने ओ सिपाही बाबा तनिक हमारी हो तो सुनियो यू झूठ कहता है हम कसम खाए के कहित है हम इके मामान अरे यार उन्हीं के क्या हमारे भी मामा हो हमारे घर चलो उठाओ बिस्तर अरे तुमका इतबार नहीं पड़ता है हम सांच कहता है हम ई के मामान नहीं कौन कहता है आप ई के मामा ऊ के मामा गांव मामा और जगत मामा हैं हमारे साथ चलिए अरे हम काका साथ दीवाना समझे तो नहीं नहीं आप बड़े सियाने हो सयाने हो तो सीधी तरह चलो और दीवाने हो तो हम ले जाएंगे अरे ओ ओ सिपाही चलो ओ ओ सिपाही बाबा चलो, अरे चलो, अरे हम अरे अरे हम कसम खाई के कहते हैं ओ अरे 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 छोड़ कर कहो ओ किल साहब ओ किल साहब बचाओ नहीं तो मरे जाओ निर्मला मोर पड़े फंसे थे कि अब वो हमका मामा हूं नहीं समझे पागल समझत है यू पागल हमका पागल खाने लिए चाहते मुंह खोले काहे देखत हो एक मनई हुए के औरत को काहे सर ऊपर चढ़ा लिए हो चार मैया रहे वारे मनाई सब आयस होते है उकिल साहब उकिल साहब उकिल साहब मैं त्वार मामा मैं त्वार मामा मैं त्वार मामा मैं त्वार मामा Either.
अरे चुप क्यों खड़ा है, बढ़ आगे। आप मुझे मारना चाहते हैं? केशव केशव क्या देखता है, अरे लगा फिर खड़ा का खड़ा। नहीं रे, तेरे हाथ से ये नहीं होगा, मैं ही दिखाती हूँ तमाशा। हाँ रख दो छड़ी, मुझे मारने का तुम्हें हक नहीं। मुंह फोड़ केशव, मुंह फोड़। बेगुनाह पर हाथ उठाने के लिए कलेजा चाहिए। अरे रे केशव, तेरी जवान मर्दी कहाँ गई? आप तो मेरी इज्जत रखिए, क्या मुझे बच्चा समझते हैं? आप यहां से जाइए। आखिर मही पूरी ना। अच्छा बाबा जाती हूँ। लीजिए मारिए, पति का हक अदा कीजिए। पति का हक? और तू बड़ा पतिव्रता धर्म पाल रही है। संसार में जब बूढ़े मर्दों ने भी नीति और धर्म छोड़ दिया तो औरतें ही अपना धर्म क्यों संभालें? तू जैसी बेशरम छिनाल से कौन मुंह लड़ाए? छिनाल ठेलो, सामान की छुरी से जख्म करके कहां चले? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हें अपने कंधे शब्द सच करके दिखाने होंगे, नहीं तो मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं अबला हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, तुम्हारे बस में हूँ, लेकिन इंसान हूँ, मुझसे ये गंदा इल्जाम सहन नहीं होगा। कहिए मुझ में छिनालपने की कौन सी बात है? यहाँ आने पर मैंने किसे खत लिखा, किस पर है मैं से हंसी, किसी से भी पूछिए। घर के सामने मैंने जो बाग लगाया है इससे क्या जाहिर होता है? या मेरा ये कमरा, ये छिनाल की जगह है? ऐसे गंदे शब्द निकालते हुए तुम्हें लाज ना आई? आपको मुझ पर गुस्सा था, मेरी इज्जत पर नहीं। मेरा खून बहाना था, आग से जलाना था, मगर दिल में बेइज्जती के जख्म न करना था। कोई भी ये गंदा शब्द वेश्या को भी कहने के लिए शर्माता होगा, मगर आपने मुझे कहा। निर्मला देवी मुझे माफ करो। नहीं, आप माफी न मांगे, हाथ न जोड़े, मेरे शब्द भूल जाइए, क्षमा कीजिए। उन्होंने हाथ जोड़े, माफी मांगी, मैंने उन्हें बुरे शब्द सुनाए, मुझसे भूल हुए क्या? मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ ले जी से, हाँ पूछ ले जी रे, पूछ ले जी से। मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ ले जी से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर लो खुशी से, घबरा न किसी से। शरबत के जो धोखे में तुझे जहर पिलाए, शरबत के जो धोखे में तुझे जहर पिलाए, रोने पे जो हंसता रहे हंस हंस के रुलाए, ले जाना जो चाहे तुझे कांटों की गली से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर वो खुशी से, घबराने किसी से। मन साफ तेरा है या नहीं, पूछ ले जी से, हाँ पूछ ले जी से, आह पूछ ले जी से। तू लोगों की आंखों में भला हो तो भला हो, अच्छी वो बुराई है जो दुनिया का भला हो। कटता है गला तेरा अगर कुंद छुरी से, फिर जो कुछ भी करना है तुझे कर लो खुशी से, खबरदार नहीं थी। Thank you.
सांप तेरा है या नहीं पूछ ले जी से, हाँ पूछ ले जी से, हाँ पूछ ले जी से, मन सांप तेरा है या नहीं पूछ ले जी से, पूछ ले जी से, अरे पूछ ले जी से। हमारे शरीफ पुत्र जुगल किशोर लिखते हैं कि मैं दिवाली पर आने वाला हूं, और उसी समय सुशीला भी एक दिन के लिए यहाँ आने वाली। कौन सुशीला आने वाली है? हाँ, उसका यहाँ व्याख्यान है। अच्छा, दोनों बच्चे घर आते हैं, क्या सोचता है? मैं सुशीला को लिखने वाला हूँ कि यहाँ न आए। ऐसा न कीजिए, सुशीला देवी को आने दी। क्यों? शायद उसके भी सामने हमें मानपत्र मिलने वाला है। नहीं जी, उनके सामने मैं मुंह तक नहीं खोलूंगी। ईश्वर की सौगंध कुछ न कहूंगी, मगर आने दीजिए। अच्छा अच्छा, बहन तुम्हें मालूम है अपनी सुशीला देवी आने वाली है। क्या? दिवाली पर। दिवाली पर? हाँ। लेकिन बहन दिवाली के तो अभी बहुत दिन है। बहुत कहाँ, चल पगली कहती है। अरे अभी सावन है। सावन? हाँ, तुम क्या समझती थी कल ही दिवाली है? हाँ, मैं ऐसा ही समझी थी। सावन भादव कुमार, सावन सावन झूला झूला के निकला भादों की आई बहार, सावन झूला झूला के निकला भादों की आई बहार, नन्ही नन्ही बूंदन की बोछार कली कली को करती प्यार, कहती फल फूलन की डार, आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा, ओ जग से नियारा, भारत माता की देखने शोभा देवी ने भेजा कुंवार, आ भारत माता की देखने शोभा देवी ने भेजा कुंवार, देवी ही पूजा में करता था फल फूलों से सत्कार, के कहने लगा ये कुंवार, आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा, है वो जग से नियारा, आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा, है वो जग से नियारा, आज वाली चमकन लागे घर दर दीवार, आई दिवाली चमकन लागे घर दर दीवार, पगऊ पर शोभा निछावर जगमग उठा संसार, पगऊ पर शोभा निछावर जगमग उठा संसार, हसत हसत चलत फिरत उमंग में नर नार, हसत हसत चलत फिरत उमंग में नर नार, किसी के गल फूलन के हार, किसी की झंकने की झनकार, यही झंकार की थी पुकार, आहा भारत प्यारा, है वो जग से नियारा, आहा भारत प्यारा, आहा भारत प्यारा, मेरा
भारत प्यारा। बहन बहन सुषमा बहन आई। आ गई बेटी। अच्छा आप मुझे नहीं पहचानेंगे क्योंकि आपने मुझे देखा ही नहीं। सुशीला अच्छी है। चाची ये नई लड़की कौन है? नाम ना निकाल उस चुड़ैल सूरत का। बेटी फूटे ये उसकी नई पत्नी है। क्या आखिर पिताजी ने शादी की मगर ये बला ऐसी गले पड़ी है शादी के दिन से आज तक रूठना फूलना लड़ना झगड़ना। न पति पसंद है न मैं। कैसे पसंद आए? जी के सामने वो कितनी नन्ही। उन्होंने क्यों इसका गला काटा? सभा में सब आपकी इंतजार में है। चलिए आती हूँ। अरे आज स्नान करेगा या नहीं? वो शांति महारानी निर्मला सब व्याख्यान में गई। गई? हाँ। क्या मुझे स्नान नहीं करना है? कितनी देर हो गई? अरे यही तो मैं तुझसे कह रही थी। तेरा ध्यान कहाँ है? अरे हाँ स्नान के लिए बुलाने आई थी। पानी रखा? हाँ चलो। मॉर्निंग फादर। कहिए मिजाज कैसे हैं? हमारे लिए आपने नई मां पैदा की। दैट्स गुड। है देखते क्या है? थैंक्स तो कहो। आप एटिकेट भी नहीं जानते। जाइए पिता आपको शादी ही करनी आती है और कुछ नहीं। जुगल तुझे कुछ शर्माया है? क्या हुआ बाबा? नेहरू पिता पुत्रों की हकीकत क्या आपको मालूम नहीं? एक दफा मोतीलाल जी ने जवाहरलाल जी को सिगरेट ऑफर किया था। आज ये जवाहर मोतीलाल जी को ऑफर कर रहा है। जुगल तुझे ऐसी शरारत करनी है तो वापस चला जा। नो 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 डैडी मुझे वापस जाने की इतनी जल्दी न आए। वेल श्रीमती चाची साहिबा। जुगल मेरे लाल कब आया? ए मुए ओ सॉरी आप सिगरेट नहीं पीती? हमारे बॉम्बे में तो औरतें खुल्लम खुल्ला सिगरेट पीती हैं। मगर ये तेरी बॉम्बे नहीं। आई फॉरगॉट दिस इज गंगापुर ओल्ड रॉटन टाउन। मुझे हिंदी में बोलना। अरे ये क्या
लहंगा पहना है, हैं? शायद तेरे बॉम्बे में मर्द लहंगे पहनते हैं। लहंगा? वाह, यह जुगल फैशन पैजामा है। जुगल मुए? पैजामा ही पैजामा है, तेरे पाँव कहाँ है? छाती ग्रैंड, आप बड़ी बामुजाक है। पिताजी कहाँ हैं? अब तक मैं उनसे मिली ही नहीं। ऊपर के कमरे में होंगे। जुगल भी आया है? जुगल यहाँ आया है? सुनो सुनो बन के रानी, आए खार। चाची? तेरी नई माँ? माता जी, अपने पुत्र पे कृपा रखना। शाबाश बेटी, तेरी इज्जत से मेरी इज्जत दुबाला हो गई। देश पर तू अपनी जान कुर्बान करती है, तुझे धन्यवाद। अच्छा पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, कहना? अरे हाँ, अच्छी आ रही। मुझे एक मुकदमे की कार्रवाई के लिए बाहर जाना है। मैं 15 मिनट में आऊंगा, फिर फुर्सत से बातचीत करेंगे। मैं जल्द आता हूं, शायद देर लगे। और ये देखो, मेरी राह न देखना, शायद ज्यादा वक्त लगे। बहन, मैं कुछ मदद करूं? जी नहीं, ऐसा काम भी क्या है। मगर आप थकी हुई नजर आती हैं। सुशीला, अचंभा न कर, श्रीमती देवी ने आज ही काम पर कृपा की है। सुशीला देवी, कुछ दिन रहोगी ना? खुशी से आती, मगर परसों दूसरी जगह व्याख्यान है। वहां से आने के बाद कुछ दिन रहूंगी।
is our destined end or well, but where that is tomorrow find us farther than today. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to get. Lives of great men all remind us we can make our lives apply, and departing leave behind us footprints on the sands of time. याद आई किसकी? अपने माँ बाप की। उन्हें ये गाना बहुत पसंद था। सच है, धन्यवाद तुम्हारे माँ बाप को, उन्होंने तुम्हें कितनी अच्छी तालीम दी है। दुनिया में कुछ नाम कमाऊं ये उन्हें बड़ी उम्मीद थी, मगर वो गए और मैं मुसीबत में फंस गई। जिधर नजर उठा के देखती हूँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। सुशीला देवी, इन बदनसीब आंखों को कभी उजाला नजर नहीं आएगा क्या? ये आप क्या कहती हैं? कवि केशव क्या फरमाते हैं? जो बाग है उजड़े गर्मी में, जाड़ों में फूलता फलता है, जब रे अंधेरी कटती है तो सूरज चमकता निकलता है। अभी आप ही ने कहा ना, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, करनी करते रहो और राह देखो, उजाला जरूर नजर आएगा। उजाला, बहुत सो जाइए। हल्का हो गया क्या? मैं आपसे कुछ पूछूं, कुछ और ख्याल न करना।
सच कहिए, जिस तरह आप घर वालों से बर्ताव करती हैं, इससे आपको ज्यादा दुख नहीं होता? दुख कितना ही बड़े मैं बर्दाश्त करूंगी, मगर अन्याय नहीं सहन करूंगी। मुसीबतों के पहाड़ सर पर टूटे मैं अपनी तपस्या। तपस्या? हाँ तपस्या। ये मेरी लापरवाही, ये मेरा बर्ताव सारी दुनिया पर जाहिर हो, और जो बूढ़े दिल में शादी की इच्छा रखते हैं उनके दिल दहशत से थर्राएं। निर्मला जैसी डायन अपने पाले पड़ेगी क्या, इस खौफ से वो